सो हाई, दिस इज आयन चौकसी। वेलकम बैक इन माय न्यू एपिसोड ऑफ आयन का ज्ञान। थोड़ा लेट वीडियो आ रहा है मेरे तरफ से, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए बाकी का टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज हमारी, कुछ हफ्ते पहले ये न्यूज निकल के आ रहे थे कि होंडा ने अपनी CBR 600 RR पर कुछ काम करना शुरू करा है। 2016-17 में जो डिसकंटिन्यूड हुआ था, तो रिपोर्ट के मुताबिक हो सकता है कि अक्टूबर में CBR 600 RR एक नए तरह से लॉन्च करे होंडा। बहुत ही शानदार सी गाड़ी है CBR 600 RR। ये रहा फोटो, आप जरूर देखिए। कावासाकी निंजा ZX 25 R कार्बन फाइबर किट इंट्रोड्यूस किया है इंडोनेशिया में, जो रेप्लिकेट रेस वर्जन को करेगा। कुछ मेजर मैकेनिकल चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। होंडा ने फ्रोजा 300 का अनाउंस किया था, जो कि एक प्रीमियम स्कूटर है। अब होंडा ने एक नए प्रीमियम स्कूटर का अनाउंस कर दिया है इंडिया के लिए, होंडा ADV। प्राइस करीबन मुझे लगता है कि 1,60,000 के आजू बाजू ऑनरोड हो सकती है। 150 cc की स्कूटर है, तो होंडा एक उभरता हुआ सितारा टाइप का लग रहा है एक प्रीमियम स्कूटर में, जो कि इंडिया में अभी तक इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है प्रीमियम स्कूटर। तो देखते हैं होंडा कैसे अग्रेसिव बनती है, स्लो स्टार्ट करती है, किस मोड पे जाती है आगे अपने प्रीमियम स्कूटर के रेंज को लेकर। कोरियन मैन्युफैक्चरर ह्यूशेंग अपने नए मॉडल को इंटरनेशनली लॉन्च कर चुका है, मॉडल GV300S, जो एक अमेरिकन बॉम्बर टाइप का लुक है उसका। माना जाता है कि सीधी टक्कर होंडा के रिबल 300 को मिल सकती है। अगर लुक की मैं बात करूं तो हार्ली डेविडसन 883 आयरन का लुक काफी सिमिलर है इससे। ये रहा है पिक्स, आप देख सकते हो। इंडियन मोटरसाइकिल बहुत ही खतरनाक वाला डिस्काउंट दे रही है अपने BS4 मॉडल में। करीबन सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट है वो 6,71,000 तक का डिस्काउंट है, जो कि अपने मॉडल चीफ डार्क हॉर्स पर दे रही है। तो देखने वाली बात है, अब जाके चेक करो और कौन कौन से मॉडल है जिसपे बहुत ही अच्छा सा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपको कोई और बाइक या कोई और कंपनी पे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि लोग भी देख सके और जान सके। लॉकडाउन के चलते, COVID-19 पैंडेमिक के चलते बहुत सारी कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप कर दिया था, तो लॉकडाउन 3 के एंड तक में बहुत सारी कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल डीलरशिप चालू कर दिए, अपने बाइक का सेल्स भी चालू कर दिया है। ओकिनावा है, होंडा है, बजाज है, जो काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं, हीरो है, जिसने अपना रिटेल आउटलेट भी चालू कर दिया और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चालू कर दिया। ये एक बहुत ही अच्छी सी खबर निकल के आ रही है। रॉयल एनफील्ड ने BS6 के कुछ प्राइसिंग अनाउंस किए हैं, 3 मॉडल के अभी प्राइसिंग मिले हैं, जो करीबन इस तरह से है। रॉयल एनफील्ड बुलेट BS6 वर्जन 350 cc का प्राइस है। करीबन हर मॉडल में उन्होंने 2,755 तक की बढ़ोतरी की हुई है, 1,30,505 रुपये से लेकर करीबन 1,40,000 के आ चुका चुकी है। क्लासिक 350 में भी करीबन सेम प्राइस का इंक्रीमेंट हुआ है, हर मॉडल पे सेम प्राइस है ऑलमोस्ट। तो उसकी प्राइस रेंज नई जो स्टार्ट हो रही है बेस मॉडल की, वो है 1,59,851 रुपीज। ये सारे प्राइसिंग एक शोरूम प्राइस है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। टॉप मॉडल है, उसकी प्राइस है 1,84,482 lakhs, तो ध्यान रखिएगा। अगर हिमालयन की बात करो तो हिमालयन में हर मॉडल में 2,754 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। जो बेस मॉडल है उसकी प्राइस है, नई प्राइस है 1,89,565 रुपीज, और जो लास्ट वाला टॉप वाला मॉडल है उसकी प्राइस है 1,94,154 रुपीज। ये बात आप जरूर ध्यान रखिए। अगर इतना ही कम इंक्रीमेंट हुआ है और मॉडल्स पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप BS6 ही लें। लॉकडाउन के बाद होंडा ने अपने जितने भी डीलरशिप्स ओपन किए हैं उनके द्वारा उन्होंने करीबन 21,000 यूनिट बेच डाले, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है।
इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट को एक अच्छा सा ग्रोथ देने के लिए आफ्टर लॉकडाउन आफ्टर कोरोना पैंडेमिक। तो चलिए ऐसी उम्मीद रखते हैं कि और सारी बहुत सारी इंडियन कंपनीज जैसे बजाज है हीरो है अपने ग्रोथ अपने ग्राफ अपना सेल्स और ऊपर ले जाए। तो ये था आज की न्यूज और अपडेट्स बाय अयान का ज्ञान। तो ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा, नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी मॉडल्स के लिए, तो मैं बैठा हूँ आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो 1 2 3 4 5 ये था सब्सक्रिप्शन का टाइम, आपने जरूर सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो अभी कर दीजिए यार, लाइक कीजिए शेयर कीजिए। शेयर कहाँ करना है, आपके फेसबुक अकाउंट पे करो शेयर, इंस्टा पर करो, व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप में शेयर करो और ये चैनल की ग्रोथ में आप मदद कीजिए। थैंक यू सो मच, सेफ रहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो आ रही है उसका फॉलो कीजिए। लॉकडाउन 4 अभी आने वाला है, करीबन सोमवार को 18 तारीख को आ जाएगा, कुछ रिलैक्सेशन डेफिनेटली मिलेगी आपको। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।